उत्तराखंड सरकार का एक और बड़ा फैसला सामने आया। दरअसल अगले 6 महीने तक अब राज्य में कर्मचारी हड़ताल पर रोक लग गई है। जी हां, कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड शासन ने अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी किया है। मानसूनी सीजन और चार धाम यात्रा के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। 6 महीने राज्य में कर्मचारी कोई भी हड़ताल नहीं कर पाएंगे और बाकायदा नोटिफिकेशन में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। किस नियम के तहत कर्मचारी इस बात से बाध्य होंगे कि वो हड़ताल नहीं कर पाएंगे? राव शफात अली से हम जानकारी भी लेंगे, इस पूरे मसले पर उनसे बातचीत करेंगे। राव शफात अली हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। राव शफात अली, कौन सा ऐसा नियम है जो रोकेगा कर्मचारियों को हड़ताल करने से? पहला सवाल तो ये है। दूसरा, क्या इसके पीछे ये भी वजह है कि पूरा प्रशासन बहुत व्यस्त हो जाता है? चार धाम यात्रा भी है, मानसून का सीजन भी है, आपदाएं भी आती हैं, उत्तराखंड एक मुश्किल भरे दौर से गुजरता है मानसून सीजन में, क्या यही वजह मानते हैं इस तरह का फैसला लेने पर? देखिए, राज्य सरकार ने जो हवाला दिया है वो तो ये है कि चारधाम यात्रा चल रही है और इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, उसके साथ ही मानसून सीजन की भी आगाज हो चुका है। और क्योंकि जब मानसून आता है और चारधाम यात्रा आती है, अगर ऐसे में कोई आपदा आ जाए तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अब 6 महीने तक जो राज्यधीन के कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं, वो कोई भी हड़ताल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राज्य सरकार को हालांकि रहा होगा इनपुट ऐसा कि कुछ जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल कर सकते हैं, और अगर ऐसे माहौल में हड़ताल हो जाती है, यानी कि कहीं आपदा आ जाए या फिर मानसून आ रहा है जैसे, और चारधाम यात्रा भी चल रही है, ऐसे में अगर हड़ताल हो जाती है तो राज्य सरकार को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो अब अधिसूचना जारी कर दी है और राज्यपाल की ओर से इसको अनुमति मिल गई कि आने वाले वक्त में यानी 6 महीने तक कोई भी राज्यधीन जो कर्मचारी वो हड़ताल नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर इसमें कोई हड़ताल करता है, देखिए इन आदेशों के बाद, इस अधिनियम के बाद, तो उस पर एस्मा लग जाती है। तो बहुत सख्त कानून है। अब 6 महीने का ये रखा गया है, राज्यपाल की ओर से अनुमति हो चुकी है, अधिसूचना भी जारी हो चुकी है कि राज्यधीन जो कर्मचारी है वो 6 महीने तक कोई भी हड़ताल नहीं कर पाएंगे। फिर वही सवाल विपक्ष को लेकर, विपक्ष भी जरूर इसको लेकर तो सरकार को बेशक राजनीतिक तौर पर घेरने वाला है, क्योंकि सीधा सीधा लोकतंत्र की बात करता है विपक्ष बार बार इस तरह के फैसलों को लेकर, कि लोकतंत्र की आवाज दबा देते हैं आप, कर्मचारियों की आवाज दबा देते हैं इस तरह के निर्णय पर। देखिए कमल, अपनी बात को रखने का हक है, जो संगठन होते हैं, कर्मचारी संगठन होते हैं, वो अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन नियमों के तहत रख सकते हैं। अगर नियमों के खिलाफ जाकर के वो अपनी बात को रखते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं या फिर हड़ताल करते हैं, तो जो नियम है, जैसा मैंने बताया कि एस्मा लगा देती है राज्य सरकार, और राज्य सरकार के ये अधीन भी है। और ऐसे में जब राज्य सरकार ने ये तर्क दिया है कि चारधाम यात्रा है, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूसरे प्रदेशों से उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं, और मानसून का सीजन भी है, ऐसे में अगर आपदा आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पिछले अगर वर्षों की बात करें तो जब मानसून का सीजन आता है, चारधाम यात्रा आती है और ऐसी घटनाएं हो जाती है जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, तो उसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है राज्य सरकार को, और यही वजह है कि राज्य सरकार ने ये फैसला इसी के तहत लिया है। जी, विपक्ष इस बात को समझेगा नहीं समझेगा ये विपक्ष पर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से जरूर सरकार पर कोई ना कोई सवाल दागा जा सकता है। धन्यवाद, आपने जो जानकारी दी है और सरकार का जो तर्क है वो भी आपने बताया कि हड़ताल क्यों ये कर्मचारी अगले 6 महीने तक नहीं कर पाएंगे। नोटिफिकेशन हम आपको दिखा रहे हैं, ये सरकार का वो नोटिफिकेशन है, राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें एस्मा का जिक्र भी है, एस्मा सरकार लगा सकती है किसी परिस्थिति में, और ये परिस्थिति जो बताई है राव शफात अली ने वो आपने सुनी भी है।